सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी, कम है बढ़ा लो भाई। पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो 20 किलोमीटर करोगे, और 20 किलोमीटर कर लिए तो शाम को आईसीयू में मिलोगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये थर्ड से फोर्थ में गए, तो जब फोर्थ क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता था। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नहीं नहीं, बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत, क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। वो लेडी चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए, कहो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो लेडी ने उस लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी, बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। क्षमता सबके पास है। ये दो पेट हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे किसी दिन 15 रोटी दे दी, वॉमिटिंग शुरू। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से, आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। अपना स्वमूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कभी कभी एहसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, कुछ होता नहीं उस वक्त। बात समझ में आ रही ना? इस क्षमता, यहां की जो डाइजेशन क्षमता है, यह दिखाई नहीं पड़ती ना, यह दिखाई पड़ता है। यह पेट दिखाई पड़ता है, यह पेट दिखाई नहीं पड़ता। अब यह क्षमता विकसित स्ट्रांग कैसे होगी? बड़ा प्यारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, क्षमता बढ़ानी है मन की, हजम करने की, बहुत प्यारा, जो कि फिर 98% लोग नहीं करते। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। एक फॉर्मूला है 20 पेजेस पर डे, आप लिखिए। आप किसी भी कोचिंग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप कम से कम 5 बार लिखिए। अब पढ़ने की आदत छोड़िए, लिखना शुरू करिए। जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की क्षमता या हजम करने की क्षमता डेवलप होगी। भाई पहले दिन जॉगिंग करने गए 2 किलोमीटर गए, 5 दिन 6 दिन 2 किलोमीटर जाते रहे, फिर 10वें दिन 5 किलोमीटर, क्षमता बढ़ी ना? एक दिन में नहीं बढ़ेगी। अपनी इंटरनल क्षमता को बढ़ाओ। नहीं बात क्लियर हुई? हाँ, कितने लोगों को इस बात का वो रहता, मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर हमें कुछ याद नहीं रहता, आपने हजम ही नहीं किया। मूवी आपको पूरी याद रहती है ना, नॉवेल पढ़ा आपने पूरी याद रहता है, पूरा नॉवेल, एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर याद है, ये क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने हजम करने की कोशिश नहीं की। अपनी इंटरनल कैपेसिटी को पहचानो, पहचानो, यही तो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन।
और अगर वो कम है बढ़ा लो। 3 महीने 90 दिन का कोर्स है ये, 3 महीने। 3 महीने अगर 20 पेजेस लिख ले गए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी, हजम करने की क्षमता कितनी डेवलप हो जाएगी। अपना मूल्यांकन, अपनी ताकत को समझना कि मेरा पोटेंशियल लेवल क्या है। क्लास खत्म हुई, आप घर गए, आप जो 2.5 घंटा पढ़ाया उसको रीराइट करने की कोशिश करो। संभावना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे, शायद कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते। अपनी जो क्षमता है अंदर की उसको इंट्रोस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। दूसरा काम, अपनी क्षमता को पहचानो। अगर कम है, अगर तुम 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर सकते हो एक दिन में, कोई बात नहीं, उसको 25-30 किलोमीटर तक पहुंचाओ।